इस पर कम लोग, गाड़ी खड़ा करके फोटोशूट चल रहा है। ये सामने देखिए, और यहाँ पे सिटी बस आप फ्रेंड्स अब निकल रहे हैं आज सेंट पीटर्सबर्ग के लिए। एंड बस आज कुछ करना नहीं है, बस ट्रेन पकड़ना है और निकल जाना है, तो बस यही करना है। और ये हॉस्टल है हमारा, बॉक्सटेल, एंड दिस इज़ आवर एडमिनिस्ट्रेटर। नो, नमस्ते नमस्ते। तो ये हॉस्टल के एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ बोलना चाहते हैं हिंदी में क्या? नमस्ते अगर नमस्ते। तो फ्रेंड्स स्टेशन पहुंच गया बॉक्सल, स्टेशन पहुंच गया बॉक्सल, और अभी जा रहा हूं अंदर। मेरा ट्रेन है फॉर सेंट पीटर्सबर्ग, तो फटाफट चलते हैं, लेट हो चुका हूं, सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है। फ्रेंड्स यहां का ट्रेन देखो क्या ही कलरफुल है, और ये फास्ट ट्रेन है, तो बहुत छोटा था, काफ़ी छोटा था, फास्ट ट्रेन है, मेरा वाला स्लो रहेगा, देखते कैसा रहता है। यार फाइनली आ गया, शायद यही है प्लेटफॉर्म, शायद क्या मतलब यही है। अब पूछा तो नहीं किसी से, अपने से पढ़ पढ़ के आ रहा हूँ मैं, हर जगह लिखा हुआ है, और ट्रांसलेट करने का भी मतलब ट्रांसलेट कर ले गूगल ट्रांसलेट तो फिर बेटर वर्क करता है। हाँ आ रहा है, अजीन द्वा त्रा, तो ये त्रा पे खड़ा आ रहा है ट्रेन, ट्रेन पकड़ेंगे सेंट पीटर्सबर्ग। तो गाइस ये है ट्रेन जो हमें सेंट पीटर्सबर्ग लेके जाएगी, और ये अजीब सा डब्बा है भाई, यही है बस। चलो बैठते हैं। वो यहाँ पर टिकट चेकिंग करने वाली लेडी है, वो टिकट चेक कर रही है सबका, और क्या ही ब्यूटीफुल सा ट्रेन है। तो फ्रेंड्स ये वो अजीब सा ट्रेन है, मतलब ये उन्होंने इसी ट्रेन है, मैंने गलत बुक कर लिया, और ये थोड़ा सा स्मेल दे रहा है इस साइड, वॉशरूम वॉशरूम में, उधर ठीक है, अंदर ठीक है, अंदर ठीक है, बट वॉशरूम स्मेल दे रहा है, तो देखते हैं कैसा रहता है जर्नी, बताते हैं। यार ये ट्रेन थोड़ा सा ऐसा पुराना टाइप का है, एंड सोवियत यूनियन टाइप का है, तो ऐसे ऊपर में सामान रखने के लिए लगेज रखा हुआ है, और मैं यहाँ सो रहा हूँ, स्लीपर ट्रेन है, तो एसी वैसी है, एसी का दिक्कत नहीं है, एसी है सब है, बट वो ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप का है, और स्लो ट्रेन है, बहुत स्लो है, 9 घंटे लगाने वाली है सेंट पीटर्सबर्ग के लिए, तो बस सो जाता हूँ चुपचाप, अभी नींद आएगा, अभी रात भर सोया नहीं हूँ, 2 घंटे ही सोया हूँ, तबीयत भी ख़राब हो गया था, अभी सोता हूँ, उठता हूँ, फिर डायरेक्ट चलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, डायरेक्ट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स पीछे देखो, या ट्रेन के बाहर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे हाफ एन आवर रुकने वाला है ट्रेन, तो पीछे लास्ट कोच है हमारा, यही कोच में, ये लास्ट कोच है, और इसके पीछे कुछ नहीं है, इंडिया के पीछे होता है लगेज होता है और वो सब होता है, तो वो सब कुछ नहीं है, और मैं काला दिख रहा हूँ इधर से, अभी इधर देखा ही नहीं जा रहा इस साइड से, सीधे मुँह पर धूप आ रहा है। अब होराइजन के पास जा रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ भी वाइट नाइट होगा उसके ऊपर, मतलब रात होगा ही नहीं वैसा कुछ रहेगा, और वैसे तो मैं दिख ही नहीं रहा होगा, इसी साइड से दिखूंगा, तो वो चीज़ है। बाकी आप देख लो यहाँ पे ट्रेन्स पर, ये सोवियत टाइम वाले हैं, सोवियत यूनियन वाले हैं, उसको थोड़ा सा कलर कर दिया गया, और आधा घंटा रुक रहा है यार, दिख नहीं रहा मुझे। और ये टीटी जो सब कुछ ही कर रही है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, मतलब उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, हर जगह टीटी सब कुछ कर रहे थे, तो वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। वेट करते हैं फिर चलते हैं। पहुंच गया सेंट पीटर्सबर्ग, एंड ये ट्रेन था हमारा, तो अभी फटाफट निकलते हैं क्योंकि बारिश हो रहा है, बारिश यंडेक्स करेंगे और हॉस्टल पहुंचेंगे, सो जाएंगे। भाई क्या जर्नी, मज़ा आ गया, फैमिली के साथ था, छोटे छोटे बच्चे थे, सब खेल लिए थे, तो चलो यार आते ही बारिश गजब हो रहा है, अभी कम हो गया, मतलब रुक गया लगभग, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, क्या सुंदर लग रहा है, और सेंट पीटर्सबर्ग तो
ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, बट ठीक है। मॉस्को भी कोई कम नहीं था, मॉस्को इज़ लाइक हाइपर सिटी, सब वहाँ भाग रहे हैं, इधर उधर हड़बड़ी में थे। तो अभी वेट करते हैं, टैक्सी का वेट कर रहे हैं, फिर तो जाएंगे हॉस्टल। पता नहीं कौन सी टैक्सी है, थोड़ा सा दिक्कत है। और अभी अंदर पूरा होके उसे गली गली होते हुए अंदर से आया भाई, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन। पहुँच गए हॉस्टल में, और ये सेंट पीटर्सबर्ग में A4 कैप्सूल हॉस्टल है, ये भी कैप्सूल हॉस्टल है। तो पहुँच गए हैं, अब रेस्ट करते हैं, बहुत थक चुके हैं, कुछ खाना ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, फिर सो जाएंगे। हालत ख़राब हो गया ट्रेन में, ट्रेन में हालत इसलिए ख़राब हुई क्योंकि ट्रेन का जर्नी ठीक ठाक था, पर बहुत बच्चे थे, सोने नहीं दिए, तो वो चीज़ था। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। द नेक्स्ट मॉर्निंग, आज है सेंट पीटर्सबर्ग में Day 2, और आज मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने, कहाँ मुझे भी नहीं पता, नो आइडिया, क्योंकि मुझे कोई सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में पता नहीं है। यहाँ पे कल मैं रात में गया था एक रिवर साइड, जो कि बहुत ही सुंदर था, तो मैं चल के आपको दिखाता हूँ, फटाफट रिवर दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा रिवर है, छोटा क्या, बहुत बड़ा, बगल में सी भी है, बाल्टिक सी भी है, बट बाल्टिक सी के यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, 10 किलोमीटर। तो फटाफट आपको चल के मैं उधर दिखाता हूँ। और ये हॉस्टल कुछ ऐसा है, मेरा मत देखो, यहाँ से शटर खुलता है, ये ऐसा है, ये भी कैप्सूल होटल है, सॉरी कैप्सूल हॉस्टल है। तो आपको लेके चलता हूँ, और मैं सुबह से नहीं निकला था क्योंकि बारिश हो रहा था, बहुत बारिश हो रहा था। ये देखो सेंट पीटर्सबर्ग ऊपर से, यहाँ से सब दिख रहा है, और पूरा बारिश हो रहा था। अभी बारिश शांत हुआ है तो सोच रहा हूँ निकलो, चलो निकलते हैं। फ्रेंड्स देखो ये कैसा ओल्ड टाइप का हॉस्टल है, पुराना एकदम, ये बिल्डिंग है एकदम सोवियत टाइम्स के, भाई कितने पुराने लग रहे हैं। ये बड़ा बाज़ार, एक्चुअली कोलकाता में एक जगह है बड़ा बाज़ार, मैं वहाँ पे जा चुका हूँ, तो वैसा ही फील आ रहा है मुझे कि मैं बड़ा बाज़ार में आ गया हूँ। कैसा लग रहा है, अजीब सा, रसिया के पुराने घर, और ये ओल्ड सिटी है, तो ये पूरा ऐसे बाज़ार टाइप का लग रहा है, ये पुराना बिल्डिंग्स है सब पीछे, ये देखो ये पूरा बाज़ार टाइप का ही है। अरे मैं बड़ा बाज़ार आ गया लग रहा है। मैं बाज़ार देखने लगा था, बाज़ार ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा था, और ये रास्ते भी ना थोड़े से अजीब से हैं। कल रात को मैं इधर से जा रहा था, अभी कुछ देर में रास्ते पूरे बदल जाएंगे। ये थोड़ा सा ओल्ड ओल्ड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई ओल्ड पुराने पुराने घर है वैसा है। और एकदम से ड्रेस्टिकली चेंज आएगा वहाँ से, थोड़ा सा सामने से दिखाते हैं, चल के दिखाते हैं आपको सीधे। तो फ्रेंड्स उधर से होके आया, वहाँ से स्ट्रेट आया, और यहाँ पे एक छोटा सा कनाल है, कनाल है, रिवर है, जो भी बोल सकते हो, वैसे क्लीन है, उतना गंदा नहीं है। और ये वाला साइड, तो अब इसके एक और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा स्टाइल यूरोपियन स्टाइल दिखेगा, इधर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये कनाल, उधर से मैं इधर आ गया था, देखिए ये कनाल बहुत छोटा है, कनाल रिवर जो भी बोल सकते हो, और इसमें से ना अभी एक सिप भी गया, बट मैं रिकॉर्ड नहीं करवाया, तभी फ़ोन आ गया था ऑफिस का, इसमें से एक छोटा सा सिप भी गया, तो वो टूर करा रहा है पूरे सिटी का, और मैं अकेला हूँ, मन नहीं है टूर करने का अकेले, कोई साथ में रहेगा तो जाऊँगा, नहीं तो अकेले तो नहीं जाने वाला, ऑकवर्ड लगता है। और प्लस वो छोटे वाले सिप है, इसमें सिर्फ सोलो हो सकता है, या कपल या क्वाड्रपल जो भी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, ये साला बस भी घुसा दिया इसमें, और देखो मैडम का बाल पिंक। तो देखो फ्रेंड्स मैं जिसकी बात कर रहा था, देखो ऐसे ऐसे सिप जा रहा है, ऐसे सिप जा रहा है जो आपको घुमाएगा। एंड यहाँ पे ये छोटे वाले भी सिप है, सिप नहीं बोलूँगा इसको, बोट बोलूँगा, ये सिप नहीं है, बड़ा वाला को सिप बोल सकता हूँ, बट छोटा वाला तो बोट है, जो मोटर बोट, मोटर लगे हुए हैं और ये बोट है, और ये इसमें कनाल में घुमाएगा। ये दूसरा कनाल है, ये वो वाला कनाल नहीं है, वो कनाल यहाँ से 200 मीटर उधर था, 200 मीटर फिर आगे चल के आया, तो ये कनाल है, और ये ऐसे घुमाएगा। देखो ये वेनिस जैसा नहीं लग रहा है, मस्त लग रहा है देखने में। और यहाँ से वैसे पूरा उस साइड ही वैसा ही है, चलता हूँ आगे दिखाता हूँ। और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, देखो एक और जा रहा है, इस पर कम लोग हैं, ऐसा ही कुछ ले लूँगा, ये बड़ा वाला छोटा वाला नहीं लूँगा, ऐसा ही कुछ लूँगा, देखता हूँ। और रात पे भी करते हैं लोग, यानी ये जगह मुझे काफ़ी कूल लगा, ये जगह पे
यहाँ पे आके आराम से हवा खा सकते हो, बहुत ही मस्त हवा चलता है, बहुत ही सही लगता है यहाँ पे। मैं कल रात को भी आया था, रात में तो ये गजब लग रहा था, मतलब एकदम लाइट वाइट जल रहा था तो वो मस्त लग रहा था। वीडियो नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास कैमरा ही नहीं था, सिर्फ फ़ोन लेके आया था और मैं अपने फ़ोटो खींच रहा था, तो एक्साइटेड हो गया था क्योंकि काफ़ी कूल लग रहा। और क्या ठंडी लग रही है यार। तो गाइज देखो यहाँ पे ये फ़ोटो शूट हो रहा है, फ़ोटो शूट हो रहा है, वो भी खुलेआम सड़कों पे। और भाई साहब ये तो नेक्स्ट लेवल ही चल रहा है, सबको दिखाया जा रहा है। और ये सामने ये कोई बिल्डिंग है, पता नहीं, मैं नाम बताता हूँ आपको कुछ देर बाद। सामने बिल्डिंग और गाड़ी देखो यार, ये पूरा पूरा इलाका एकदम मस्त, बीचों बीच गाड़ी खड़ा करके फ़ोटो शूट चल रहा है। रशिया, दे कैन डू एनीथिंग, चलते उसके पास। आपको स्टैचू दिख रहा होगा, ये स्टैचू है और उसके पीछे जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है ये गवर्नमेंट हाउस है और ये पूरा एक स्क्वायर टाइप का है बीच में। तो यहाँ पर एक स्टैचू है ऐसे, और यहाँ पे ये म्यूनसिपैलिटी है कुछ तो लिखा हुआ है, मैं सब पढ़ नहीं पा रहा हूँ। 1859। और यहाँ पे ऐसे चैरियट्स भी चल रहे हैं, तो चैरियट में घूमेंगे। बहुत धूप है, सब डायरेक्टली दिख नहीं रहा, सनलाइट है। और यहाँ ये जो सामने आप दिख रहा है ये पैलेस है, या गवर्नमेंट ऑफिस बोलो या जो भी, ये पैलेस है एक तरफ। और ये पूरा आर्किटेक्चर देख लो। और ये सामने दिख रहा है ये है कैथेड्रियल, सर आइसिक कैथेड्रियल, मतलब चर्च है बेसिकली। एंड मैं अब दिख रहा होगा यहाँ पे बसे से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, तो भाई लगता है बस घुमाने के लिए। तो ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, मतलब ये आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है। उसके सामने एक पार्क है, वियर्ड सा, ऐसे वियर्ड से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं पार्क में। अब पार्क भी ऐसे सुंदर है, खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, इसमें लोग अंदर फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये लोग भी फ़ोटो वोटो बहुत खिंचाते हैं। एंड यहाँ एक अजीब सा स्ट्रक्चर, वाह ये भी अच्छा लग रहा है। ये जो सामने जो चर्च है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मुझे तो लग रहा है, बाकी आप वीडियो में देख के बताओ। अब मैं पहले यहीं बैठा हुआ था, अब इसके अंदर जाने का देखता हूँ कैसे जाना है। पैसे लगेंगे तो मैं नहीं जा रहा हूँ, पैसे नहीं है वो फ्री है तो मैं जाऊँगा। ये बहुत सुंदर सा है देखो, काफ़ी ब्यूटीफुल सा है ये चर्च। और लोग ऊपर बैठ जा रहे हैं चढ़ के। यहाँ लगता है यूनिवर्सिटी सेलिब्रेशन चल रहा है। हम लोग ने भी किया था जब ग्रेजुएट हुए थे। अच्छा फ़ोटो शूट करा रहे हैं भाई, सबको फ़ोटो शूट ही कराना है। वाओ ये काफ़ी सुंदर लग रहा है ऐसे। और मेरे को लगता है अंदर जाने का फीस भी है, तो फ़ी दे कर जाना पड़ेगा। अंदर जाए क्या फ़ायदा है, मैं नहीं जा रहा हूँ। चर्च ही अंदर से बहुत सुंदर होगा, मतलब ऑब्वियसली यूनिक होगा। देखते हैं क्या प्राइस है, ज़्यादा महंगा हुआ तो मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ही रस्सियाँ पैसे कम है मेरे पास, डॉलर लेके आऊँ डॉलर लगभग ख़त्म हो रहा है, इतना महंगा है खाना ही मेरा महंगा पड़ रहा है, रहना वहना तो ठीक है। वाह ये देखिए इधर से क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, ये मैंने पूरा प्लेस ही ब्यूटीफुल है। मैं बोल रहा था ना मॉस्को जैसा नहीं है, बट नहीं बेटर है, मॉस्को से बेटर लग रहा है अब। एंड मैं कल रात को सब जगह घूम रहा था, आज दिन में नहीं था लेकिन आज दिन में आया हूँ। और यहाँ पे ऐसे बसेस भी चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक बस। भाई वेब शॉप चल रहा है ये सामने देखिए। और यहाँ पे सिटी बस आपको दिख रहा है, ये सिटी टूर के लिए है। और एंट्री शायद इधर से है, भाई वहाँ पर था वहाँ से पूरा घूम के आना पड़ा, सीधा सीधी आ भी नहीं सकते, ये भी दिक्कत है। टिकट प्राइस
देखते हैं टिकट कितना है, टिकट कम हुआ तो चला जाऊंगा। फ्रेंड्स पीछे का जो बिल्डिंग देखो स्ट्रक्चर एक बार, यार क्या सुंदर लग रहा है। मतलब और एक चैरियट, ये देखो यहाँ पे चैरियट भी चल रहा है, वैसे चैरियट में भी आप बैठ सकते हो अगर कपल हो तो, थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हो। ये इसमें जूम नहीं होता मेरे वाले में। फ्रेंड्स यहाँ के जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो देखो एकदम ऐसे बनाया हुआ है, और जीसस क्राइस्ट को ले जा रहे हैं, एंड ये गधे पे बैठा हुआ है, बेइज्जती किया जा रहा है, वो सब यहाँ पे दिखाया। क्या सुंदर गेट है यार, ये गेट कितना सुंदर लग रहा है। एंड ये थोड़ा सा धूप है नहीं तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये कार्विंग्स है, एक्चुअली गेट नहीं है दीवार है, तो कार्विंग किया हुआ है। और ये वही कैथेड्रल के पीछे में है, यानी यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मुँह पे धूप लग रहा है, यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचा रहे बेसिकली आके। और ये ऊपर से देखो पूरा सुंदर, तो फ्रेंड्स ये बैक साइड है, बैक साइड भी यार काफ़ी सुंदर सा बना हुआ है, ये बहुत सुंदर है। अगर आपके पास पैसे हो तो आओ इसके अंदर देख के जाओ, इसके अंदर पूरे गोल्ड के स्ट्रक्चर्स हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल है। थोड़ा रिकॉर्डिंग का झमेला है, रिकॉर्ड छुप छुप कर सकते हो, ऐसे खुलेआम नहीं कर पाओगे, फ़ोन से कर सकते हैं तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ है, रिकॉर्डिंग का झमेला है। बाकी यहाँ पे सामने एक पार्क सा है, पार्क में सब लोग बैठे हैं, उसके बाद में भी बहुत सुंदर स्ट्रक्चर्स हैं, तो आज ऐसे ही वॉक करते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ से कैथेड्रल के सामने सामने एकदम चलते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे वो इधर में है, और अभी धूप इसलिए नहीं दिखेगा। और ये तो पूरा बाल्टिक सी का, मतलब ये लग रहा है कि वो है, मतलब बाल्टिक सी से कनाल निकला हुआ है, बगल में सी है ना, तो वो जिसको फिनलैंड का भी सी बोलते हैं, तो फिनलैंड से वो जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स चल रहे हैं, ये स्टीमर है बड़े बड़े, वैसा चल रहा है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत सारे कनाल है, छोटे 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 छोटे, और ये बड़ा वाला कनाल है, इसके बाद सीधे सी स्टार्ट हो जाएगा, जो बड़े जो मेन जो सी है बाल्टिक सी वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इससे भी कुछ दूर में होगा, ट्राई करता हूँ जाने का बाल्टिक सी पर, ट्रैवल कर रहा था यहाँ से जा रहा था, और ये देखो यहाँ पे, ओ भाई सर पे आ जा रहा है, ओ भाई साहब ये मस्त लग रहा है। अरे रे रे यार ये हर जगह है भाई, अटैक मोड में आ जा रहा लग रहा है बहुत। तो फ्रेंड्स मैंने टिकट ले लिया, जो कि मुझे 1000 रूबल्स का पड़ा, रूबले, तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, ऐसा कोई अलग नहीं है। तो अभी पता नहीं कौन सा जाएगा वो देखता हूँ, अब ये टिकट कहाँ घुमाएगा नहीं घुमाएगा, छोटे वाले में घूम सकता था लेकिन बड़े वाले में घूमना चाहता हूँ, यहाँ पे शायद सी वी में लेके जाए। तो फ्रेंड्स बैठ गए इसमें शिप में, और बोट है, और ये शायद लेके जाएगा पूरा घुमाएगा चारों तरफ, ये पूरा ऊपर से आपको दिखेगा। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, एक के बाद एक चार सिप्स को जोड़ के ये ऐसे बनाया है, जो मुझे घंटा नहीं समझ में आने वाला है, तो चलो। Но прежде чем я начну свой рассказ, хочу обратиться ко всем с просьбой. अरे क्या सुंदर लग रहा है, वैसे वहाँ से होके आया था मैं, तो वो सब दिख रहा है मुझे, वो सब बिल्डिंग से होके आया ऑलरेडी। Строился в 1912-1916 годах. Несмотря на юный возраст и скромные размеры, мост почти сразу стал визитной карточкой города. Именно его центральный, разведенный в белые ночи пролет... सुंदर आ रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे बोट चल रहे हैं। और क्या ठंडा लग रहा है, एकदम हाथ जम गए हैं, सब
सब अंदर भाग रहे हैं, नीचे भाग रहे हैं। फिर बोलने लगे, अभी शांत हुई थी यार, नहीं समझ में आ रहा है, चुप हो जा। इधर के घर देखो सब। Васильевском острове, если он не успевал попасть домой до начала разведения мостов, приходилось гулять до 5 утра, прежде чем он сможет оказаться дома. Но на сегодняшний день эта проблема отсутствует. Мурманск में क्या हाल होगा? मैं मुरमंग से जाने वाला हूँ। यार ठंडा लग रहा है यार, बहुत तेज। तो दोस्तों फाइनली वापस आ गए, जान बच गई। बहुत ठंडा लग रहा था यार बाल्टिक सी में, मतलब बाल्टिक सी तक पहुँचे थे तो। और ओह माय गॉड, तो मन कर रहा है फटाफट भाग जाऊँ हॉस्टल, लेकिन भूख भी लगा है तो भूख खाना भी है यार। इतना ठंडा लग रहा था ना, क्या बताऊँ। और अभी बज रहे हैं यहाँ पे रात के 10:30, 10:30 बज रहा है और पीछे भी धूप जा रहा है, तो हाथ मेरे एकदम कांप रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं फटाफट बोल रहा था जल्दी ख़त्म करो भागो। चलो अब चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज रात हो जाएगा कुछ देर में, ऑलमोस्ट रात होने ही वाला है। बाबा उजाला हो गया, तो कुछ देर में रात हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना गाइस प्लीज़। चलो ठंडा लग रहा है, इसके लिए बाय बाय, अलविदा।